हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 3 लेकर आई हूँ, जो कि बच्चों आपके 28 जुलाई की वर्कशीट है। ओके, और इसमें एक आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसमें कि साहस की जिंदगी किस तरह से जी जाती है, कैसी होती है, उसके बारे में बताया गया है कि साहस की जिंदगी बड़ी जिंदगी होती है। सबसे बड़ी पहचान उसकी क्या है? निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य जो होता है वो अपनी पहचान अपने आप बनाता है, वो किसी बात की चिंता नहीं करता, दूसरों के बारे में ही सोचता कि लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है। और अगर साहस के साथ हमारे पास धैर्य भी हो तो ये हमारे पास क्या होता है? सोने पे सुहागा होता है। सोने पे सुहागा मतलब जैसे आप कोई चीज़ लेने जाते हो, बाय वन गेट वन फ्री, यानी कि एक के साथ एक फ्री। तो उस तरह से अगर हमारे पास धैर्य है, अगर हमारे पास साहस है और धैर्य भी उसके साथ है, तो हमारा जो है वो सोने पे सुहागे जैसा काम हो जाता है। ओके, तो ये सारा इस चीज़ में दिया हुआ है पैराग्राफ में, गद्यांश में। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया गया है? किसका किया गया है बच्चों? अभी मैंने बताया साहस और धैर्य का, ठीक है ना। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इस गद्यांश में साहस और धैर्य का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है, और उसकी पहली पहचान एवं यह उसकी पहली पहचान क्यों है? तो आंसर है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, यही उसकी पहली पहचान है, क्योंकि साहस की शुरुआत यहीं से होती है। प्रश्न नंबर 3 है, क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखिए। तो आंसर है, क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना में ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर धीरे करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, साहस और धैर्य की तुलना असमय के सखा से की गई है, और इन दोनों को सोने पे सुहागा कहा गया है। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, ये एक गतिविधि है। लिखा है, गतिविधि आप साहस और धैर्य से संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं? घर के बड़ों से चर्चा करके लिखिए। अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी दीजिए, ठीक है, या दे सकते हैं। आंसर है, मुझ में साहस तो पर्याप्त है लेकिन धैर्य की कमी है, इसलिए मैं कोई भी कार्य लंबे समय तक मन लगाकर और लगातार नहीं कर पाता तथा हर कार्य में जल्दबाजी करता हूँ। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच बच्चों।